तो आप देख सकते हैं नगर निगम तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, गाड़ी हवा में चली जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ी हवा में चली जाती है। हुआ क्या है, क्योंकि करनाल मॉडल टाउन पोश इलाका है और आप देख सकते हैं कितना गहरा, तकरीबन 3 से 4 फुट गहरे खड्डे यहां पर मॉडल टाउन में हुए हैं और किसी को भी पता नहीं था। आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट गहरा ये खड्डा है और गाड़ी इस समय जो महिला चला रही थी, आप देख सकते हैं बुरी तरह से इस गहरे खड्डे में जा गिरी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूरी है। हालांकि दुकानदारों ने बताया कि रोजाना यहां पर इस तरह के हादसे होते हैं, दुकानदार यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो मैम गाड़ी चला रहे थे, मैम क्या बताना चाहेंगे, मॉडल टाउन की आप रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मॉडल टाउन के रहने वाले। मुझे तो इधर काम था, मैंने तो रोड में साइड में कर रही थी, मुझे तो दिखा ही नहीं कितना बड़ा खड्डा हो सकता है, कभी सोच भी नहीं सकते। तो लगता है कि आपको रिपेयर होना चाहिए, तो इस तरह डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। रात के समय कोई बच्चा भी गिर सकता है, रात के समय तो बहुत रिस्की है ये, तो रात के समय तो बहुत रिस्की है। और सबसे बड़ी बात है धुंध के दिन है। एमसी साहब आ गए, जी हाँ पूर्व एमसी साहब आ गए। एमसी साहब क्या बताना चाहेंगे, ये तो बहुत ही गहरे गहरे खड्डे हैं, महिला की गाड़ी पूरी इसमें गिर गई। ये गैस पाइप लाने काम कर रहे थे, उन्होंने शायद ये खड्डा रिपेयर करना भूल गए, मैं कह देता हूँ। अब गाड़ी को कैसे हटाएंगे, तो जोर लगाना पड़ेगा अब आपको और हमको, हमारा फर्ज भी बनता है। तो चले शुरू करें जी, आओ जी फिर शुरू करते हैं। तो एमसी साहब आ गए हैं, जोर लगाएंगे अब, हर किसी का जोर लगेगा और पता चलेगा किसने कितना दूध पी रखा है, क्योंकि गाड़ी को अब उठाना पड़ेगा, गाड़ी को उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी वीडियो को दिखाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि मॉडल टाउन पोस्ट इलाके में काम कराया जाता है लेकिन खड्डों को भरा नहीं जाता है, और इस तरह के खड्डे जो है आप देख सकते हैं किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। रात के समय सर आपकी तो आसपास दुकान है, अगर कोई दोपहिया वाहन चालक आ रहा हो, कोई महिला आ रही हो स्कूटी पे, वो तो बहुत बुरी तरह चोटिल हो जाएगी। बहुत ज्यादा, कल भी ये गाड़ी गिरी है यहाँ पे, कल हमने निकाली है ये काफी दिन से ऐसे है, आगे हमारी दुकान के आगे थे, हमने खुद भरे, वो हमने खुद भरे हैं सभी। तो आप देख सकते हैं मॉडल टाउन में इस जगह इसी तरह से जो है बहुत से खड्डे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप देख सकते हैं शुक्र है कि महिला को चोट नहीं आई, गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से इस खड्डे में जा घुसी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गड्ढे की गहराई आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट गहरा गड्ढा इस समय सड़क पर हुआ हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अब एमसी साहब मौके पर, हालांकि हमने जब जैसे जानकारी दी तो 2 मिनट लगाए उन्होंने, 2 मिनट में वो जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि है, पूर्व इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और अब जोर लगाया जाएगा, तो देखते हैं मिलकर गाड़ी में जोर लगाते हैं। आइए पार्षद साहब शुरू करते हैं जोर अजमाइश थोड़ा, ताकि गाड़ी को साइड में किया जा सके। एमसी साहब का जोर लगाया जा रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि खड्डा इनके बाहर हुआ है, तो जोर लगाकर बैक कीजिए, ये देखिए ये बस करो 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 थोड़ा बस, ये देख सकते हैं एमसी साहब ने जोर लगाया है और अब इनके जोर से इस खड्डे की गहराई नाप रहा जाएंगे। एमसी साहब इधर आइए जरा एक बार, अब आपने आने वाले समय में भी चुनाव लड़ना है, बैठ जाओ सर अभी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आपने आने वाले समय में भी चुनाव लड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये एक गहरा खड्डा है, तकरीबन 3 फुट गहरा खड्डा है मॉडल टाउन में, बताया दुकानदारों ने, ऐसे ऐसे बहुत से गहरे गहरे खड्डे हैं। एमसी प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, अब पूर्व है, पीछे पार्षद यही थे। एमसी साहब अगर ऐसे ऐसे गहरे खड्डे होंगे तो आगे आपने चुनाव भी लड़ना है ना, ये गैस का काम हुआ था जी, वो भर के गए थे कल परसों बरसात हुई, उस करके बैठ गए, कोई एक दो हो रहे हैं जो बैठ गए हैं तो इनको अभी करवा देते हैं, देखो उनका ही फोन आ रहा है जी। तो दुकानदार भाइयों ने बताया कि उनकी दुकानों के बाहर भी थे, उन्होंने इसको भरवाया है, कंप्लेंट करिए, कोई आया नहीं? नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं, सारे उसने भरे भी हैं, कुछ रह भी गए होंगे, मैं ये नहीं। लेकिन आप ये समझे, ये तो गाड़ी थी, महिला चला रही थी, रात के समय अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाए, कोई स्कूटी वाला गिर जाए, तो आप समझ सकते हैं बुरी तरह चोट लगेगी, 100% लगेगी, इसमें तो दो राय नहीं है, चोट लगेगी जी। तो अब क्या करेंगे इसको, देखो उनका ही फोन आ रहा है कंपनी वालों को, उनको कहते हैं भरने। तो ये तो बता रहे हैं कि ऐसा काम सारी जगह ऐसा हुआ है? नहीं सारी जगह, तो आप घूम के देखो सारी जगह ऐसा नहीं, बता रहे बैठ रही है सड़क, बैठ रही है ऊपर, काम चला हुआ तरीके से मिट्टी गिर गए और बारिश आती है वो बैठ जाती है, पीछे भी वहाँ दुकानदार खड़े हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ भी बैठ गया था, उन्होंने खुद मिट्टी गिर के अब भरा है उसको। कई जगह बैठ जाता है, दुकानदार अपने सामने काम करते हैं, सरकार अपने सामने काम करती है। तो अब आपने जोर तो लगाया, गाड़ी तो उठा दी। हेलो मनोज, तो जोर तो लगाए हैं, गिन्नी विर्क है, पार्षद प्रतिनिधि है, ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, मॉडल टाउन पोस्ट इलाके की है, काम करते हैं आईजीएल वाले, गैस कंपनी वाले, मोबाइल कंपनी वाले,
खड्डा खोदते हैं लेकिन काम चलाऊ तरीके से मिट्टी गिर जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है। पार्षद साहब कह रहे हैं कि मुझे आगे भी चुनाव लड़ना है और आगे भी चुनाव लड़ना है तो इन खड्डों को जरूर जो है ठीक करना पड़ेगा, इन खड्डों की रिपेयरिंग जल्द से जल्द करानी पड़ेगी। हालांकि कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की है लेकिन गहरा खड्डा देख सकते हैं। गिन्नी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात हुई आपके अधिकारियों से? वो कहता जी हमने तो कब भरे हैं, बाकी मौके पे मारे हैं, अगर कोई रह गया तो हम उसको करते। कौन सी कंपनी वालों ने भरे थे? आईजीएल वालों ने भरे थे लेकिन आप देख सकते हैं कैसे बुरी तरह से जो खड्डे हैं वो दोबारा से हो चुके हैं। ये गाड़ी का टायर था, पूरा का पूरा टायर जो है इस खड्डे में चला जाता है क्योंकि सामने से रात के समय धुंध भी होती है, अगर कोई दो पहिया वाहन चालक कोई बच्चा इसमें गिरेगा तो निश्चित तौर पर उसको चोट लगेगी। दुकानदार भाई यहाँ पर मौजूद है, ये महिला जो है इस समय आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी जिनकी निकाली गई है उनसे जरूर एक बार जानना चाहेंगे क्योंकि कल को किसी को भी नुकसान हो सकता है। हम प्रशासन के अंत में क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी गाड़ी एकदम गड्ढे में गिरी है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए क्योंकि आज तो मेरी फंसी है, किसी की रात में फंसेगी तो दिक्कत आ सकती है, दिन में तो फिर भी आप सब लोग थे तो मैनेज हो गया। स्कूटी वाला तो चोटिल हो सकता है, स्कूटी वाला तो बिल्कुल फंसेगा बीच में, रात को तो दिखाई भी नहीं देगा, रात को दिखाई भी नहीं देता, तो ये रिक्वेस्ट है कि भरे जाए, डेंजरस चीज है। मैम डेंजरस है काफी है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो समय रहते रिपेयर होना चाहिए, एकदम से तो जान ही निकल गई। आपकी तो गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई थी, ऐसे हो गई थी एकदम, पता ही नहीं चला कि निकल भी पाऊंगी कि नहीं, ये तो आप लोग थे, चलो सपोर्ट सब लोगों का हुआ तो बिल्कुल। आप देख सकते हैं हमारी सिर्फ अपील है, हालांकि आप देख सकते हैं एमसी साहब यहां पर ईंटें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्षद साहब इन ईंटों से गुजारा नहीं चलेगा, इसका पक्का सोल्यूशन करना पड़ेगा, इन ईंटों से ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, टेम्परेरी दुकान पर रहेंगे ना, इंडिकेशन कर देंगे, इंडिकेशन पार्षद साहब मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ जो है एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ईंटें लगा दी गई है, ये खड्डा है, इस खड्डे के अंदर ना गिरे आप, खड्डे के अंदर ना गिरे क्योंकि एमसी साहब ने यहाँ पर ईंटें लगा दी है, लेकिन एमसी साहब तुरंत पहुंचते हैं, जब भी हमने इनको फोन करा तो तुरंत पहुंचे और साथ के साथ अधिकारी को भी फोन किया उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए क्योंकि दोबारा भी चुनाव लड़ना है और अच्छे वोटों से जीत रहा है। एमसी साहब दोबारा चुनाव लड़ना है, हमने 100% यहीं से लड़ेंगे और एमसी का ही लड़ेंगे। और कौन सी पार्टी से? अपनी बीजेपी से। बीजेपी पार्टी से सीनियर डिप्टी मेयर बनना है, डिप्टी मेयर अपना सिर्फ एमसी बनना जी। अच्छा मेयर का चुनाव तो नहीं, मेयर का चुनाव लेकिन लड़ना है, एमसी का चुनाव लड़ना। तो आज अगर शाम को हम यहाँ से निकलेंगे तो खड्डा भरा होगा ये 100% अभी एक घंटे में उम्मीद है, उम्मीद क्या 100% कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं कि एमसी साहब शाम तक इस खड्डे को भरवा देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि शायद जल्द से जल्द ये खड्डा भरेगा और शाम को भी हम आपको यहाँ से जब निकलेंगे अगर खड्डा नहीं भरा हुआ होगा तो हम आपको जरूर लाइव कवरेज दिखाएंगे, अगर खड्डा भरा होगा तो एमसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस गहरे खड्डे को भरवाया ताकि कोई और हादसा यहाँ पर नहीं हो पाया। कमल विंटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।